नमस्कार डियर इंडियंस, हमारे पिछले वीडियो में हमने सबकॉन्शियस माइंड क्या है इसके बारे में जानकारी ली। हमारे आज के इस वीडियो में हम सबकॉन्शियस माइंड के फीचर्स के बारे में जानेंगे और सबकॉन्शियस माइंड को और गहरी तरह से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड के क्या फीचर्स हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। सबकॉन्शियस माइंड का जो पहला फीचर है वो है इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग। मतलब हर वो चीज़ आपके आसपास हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड एक कैम रिकॉर्डर की तरह सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है इसमें डेटा ट्रांसमीटर्स की तरह काम करते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स मतलब आपके ईयर्स, आईज, टंग, टच, स्मेल, ये सब जो सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं ये आपके आजू बाजू में जो कुछ भी हो रहा रहता है वो डेटा के तौर पे आपके सबकॉन्शियस माइंड को सप्लाई करते रहते हैं। अभी वो डेटा अगर नेगेटिव हुआ तो आपके लाइफ में नेगेटिव आउटकम्स आते हैं, अगर वो डेटा पॉजिटिव हुआ तो सबकॉन्शियस माइंड आपके लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं और सीरियल में आप झगड़े देखते तो सबकॉन्शियस माइंड आपके ईयर्स, आईज, ये इन सेंसरी ऑर्गन से वो नेगेटिव डेटा आपके माइंड में जाता है और वैसे ही आपके लाइफ में वही झगड़े अट्रैक्ट होने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का जो अगला फीचर है वो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फेक। इसका मतलब ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो डेटा जाता है आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा, सबकॉन्शियस माइंड को वो पता नहीं होता है कि वो सच है या फिर वो झूठ है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं और उसमें कोई भी ऐसा इंसिडेंट आता है जिसमें आप डर जाते हैं तो ऐसा लगता है आपको कि वो सच में आपके सामने आ गया और सच में आप डर जाते हो। तो यही रीज़न है कि सबकॉन्शियस माइंड सच क्या है और गलत क्या है उसके बीच का डिफरेंस पता नहीं कर पाता है, और उस हिसाब से जिस तरह का डेटा सबकॉन्शियस माइंड में जाते रहता है हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा, आपके लाइफ में वैसे ही आउटकम्स और एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट होते रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का थर्ड फीचर है कि सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड नेगेटिव वर्ड्स लाइक नो, नहीं, ना और ये सब शब्द। इसका ये मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव वर्ड्स समझ नहीं पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आज के दिन आपको बंदर के बारे में नहीं सोचना है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा दिन आपके दिमाग में एक बंदर की ही इमेज क्रिएट करेगा। इसका रीज़न ये है कि सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव वर्ड्स समझ नहीं पाता है। और एक एग्जाम्पल, अगर आप स्मोकर है और स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैं स्मोकिंग नहीं करना चाहता तो आपके दिमाग में जो इमेज तैयार होगा वो एक सिगरेट और स्मोकिंग का ही इमेज तैयार होगा और इससे आप स्मोकिंग छोड़ने के बजाय स्मोकिंग और करने लगोगे। सबकॉन्शियस माइंड का जो फोर्थ फीचर है वो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑल आर वन एंड द सेम। इसका ये मतलब है कि वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल सबकॉन्शियस माइंड के लिए सब एक ही जैसा हो रहा होता है और एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द नाउ मोमेंट फॉर सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ कोई दुखद घटना पास्ट में हुई है तो उसका दुख आपको आज तक होता है और आपको फ्यूचर की भी चिंता सताती रहती है। ये सब चीज़ आपके लिए नाउ मोमेंट में ही आपको होती रहती है। इसका यही रीज़न है कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये सारी चीज़ें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सभी एक जैसा है। सबकॉन्शियस माइंड का जो फिफ्थ फीचर है वो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स अबाउट 95% ऑफ आवर लाइफ्स। सिर्फ 5% जो हमारे लाइफ में होता रहता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के वजह से होता है और हम जानबूझ के वो करते हैं। बाकी का 95% का जो चीज़ें हमारे लाइफ में होती रहती है वो सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के वजह से होती है। सबकॉन्शियस माइंड का जो सिक्स्थ फीचर है वो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी वेरी पावरफुल बट ऑल्सो वेरी वल्नरेबल। इसका ये मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है पर लाचार भी है। सबकॉन्शियस माइंड की अगर हम शक्ति
पूरी तरह एक्सेस करना सीख जाए तो हमें जो चाहिए वो हमारे हम आंखों के सामने ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचो कि आपको 1 किलो सोना चाहिए तो वो सोना सीधा सबकॉन्शियस माइंड के पावर से आप आपके आंखों के सामने प्रकट कर पाएंगे। बट इतना पावरफुल होने के साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही लाचार भी है। सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जैसे कि हमारा हार्ट बीट बराबर चल रहा है कि नहीं देखना, जैसे हमारा ब्लड फ्लो बराबर है कि नहीं देखना। तो इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही वल्नरेबल होता है। अगर हम उसे ठीक से ट्रेन नहीं करेंगे तो हमारे लाइफ में वही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से ऐसे आउटकम्स आ जाते जो हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का जो आखिरी और 7th फीचर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स एंड ऑपरेट्स ऑन रेपिटेशन। इसका मतलब ये है कि जिस बात की ज़्यादा जानकारी आपके सेंसरी ऑर्गन्स से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, उस हिसाब से आपका आपके लाइफ में आउटकम्स और एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। सबकॉन्शियस माइंड को और डीपली हम लोग अपने आने वाले वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि इसी से शुरुआत होती है द फेमस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम रेजरेक्शन है वो भी बनाई है, और वो अपने काउंटडाउन क्रू यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शॉर्ट फिल्म रेजरेक्शन देखना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिले तो कृपया ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज़ों की जानकारी हर व्यक्ति हर इंसान को होना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। आने वाले वीडियोस का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल अस नाउ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आज के लिए बस इतना ही।